महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर सियासी संकट के बादल छाए हुए हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके एकनाथ शिंदे ने 46 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बागी हुए हैं वो सामने आकर बात करें। इस सियासी उथल पुथल के बीच चर्चा ये भी है कि महाविकास अघाड़ी सरकार का गिरना लगभग तय है और विधानसभा भंग की जा सकती है। उधर भाजपा भी महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बैठकें कर रही है। महाराष्ट्र में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच महाविकास अघाड़ी सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया है। इधर भाजपा में भी सरकार गठन को लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं। भाजपा ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट व 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है, साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने की पेशकश की है। इधर संजय रावत ने शिंदे व उनके समर्थकों से कहा है कि आपको कांग्रेस एनसीपी की सरकार पसंद नहीं थी तो आपको उद्धव ठाकरे के सामने अपनी बात रखनी थी। हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। इससे पहले बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर कर कहा कि शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहता है, आप विधायकों की सुनते नहीं थे। इसी बीच खबर ये भी है कि शिवसेना के 9 सांसद भी उद्धव का दामन छोड़ सकते हैं। उधर शिव सैनिकों ने विधायक सदा सरवनकर के फोटो पर काली पोत कर उस पर गद्दार लिख दिया और शिवसेना के बैनर पर लिखे सदा सरवनकर के नाम को मिटा दिया है। विकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है, ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डरा कर धमका कर आपके ऊपर बंदूकें लगा कर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। अगर पार्टी का पार्टी में एक मत बनता है जी, उनका जरूर हम निर्णय लेंगे।